फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको एक फार्मूला देने जा रहे हैं, तो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखिएगा और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया है हाउ टू फाइंड कोन मिडिल डायमीटर, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चिमनी का मिडिल डायमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यही समझा देता हूँ कि मतलब इस फॉर्मूला से हम कर क्या सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये कोई एक चिमनी है, ठीक है। ओके, ये हो गया इसका नीचे का डाया, ठीक है, और ये हो गया ऊपर का डाया। तो अगर हमें बीच का, अगर हमें यहाँ पे पता करना है, मान लीजिए अगर हमें बीच का पता करना है और ये चिमनी का टोटल हाइट मान लीजिए 10 मीटर है। ओके, ठीक है, तो हमें 2 मीटर पे, अगर इसका नीचे से 2 मीटर हाइट पे अगर हमें यहाँ का डाया पता करना है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसी का मैं फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको जो है कॉलम का इस तरीके से बताया था कि मान लीजिए ये कोई कॉलम हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम बनाने के टाइम में अगर हमको यहाँ का मान लीजिए डिस्टेंस चेक करना है, तब जो है उसके लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चिमनी है तो चिमनी में जो है हम इस फार्मूला को पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चिमनी बनाने के टाइम पे आपको दूसरा फार्मूला यूज़ करना होगा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका यूज़ बेसिकली यही है कि हमें कहीं का भी अगर हाइट निकालना है, कहीं का हमें जो है अगर डायमीटर निकालना है, तो हम आसानी से इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। फार्मूला जो है बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है एक कोन, जिसको हम शंकु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कोन का मतलब होता है शंकु। तो यहाँ पर मैंने को जो ड्रॉ करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो यहाँ पे कोन के जगह पे आप जो है चिमनी भी यहाँ पे जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड हाइट इंटू 2 × 10θ इक्वल्स टू आंसर, ठीक है। पहले हम फार्मूला 1 में जो पहला फार्मूला है इसको हम पुट करेंगे और हमें एक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस आंसर को हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अभी सेकंड में है बिगर डायमीटर माइनस आंसर, ठीक है, आंसर के जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कोई भी इसको जो है यूज करके काम कर सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया हुआ है, तो अभी हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 100 लिया हुआ है, तो अभी 100 क्या है, ये देखिए रिक्वायर्ड हाइट, 100 क्या है, रिक्वायर्ड हाइट। अब रिक्वायर्ड हाइट मतलब ये देखिए, मतलब कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये कोन हो गया, इसका डायमीटर 300 है ऊपर का और नीचे का 100 है, ठीक है। तो और इसका हाइट जो है वो है 400, ओके। तो हमें 100 mm की दूरी पे इसका कितना जो है डिस्टेंस, मतलब कितना इसका डायमीटर रहेगा, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। कॉलम के लिए मैंने जो है बता दिया वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ का कितना डाया रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमने यहाँ पे इसी को ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये ऊपर का है 300, ओके, और ये नीचे का है 100 mm, और ये टोटल हाइट इसका 400, और 100 mm की दूरी पर हमें इसका दूरी पता करना है कि यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। इसी को अगर हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ का दूरी कितना है, तो ये हमारा हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 के जगह पे हमने ये वाला रखा हुआ है, ठीक है, मतलब जितना दूरी पे हम डायमीटर निकालना चाहते हैं वो, ओके। उसके बाद इनटू, मतलब ये वाला इनटू गुणा, उसके बाद 2, ये 2 तो फॉर्मूला में ही है तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, इनटू ये वाला देखिए, उसके बाद 10θ, ये देखिए 10θ, थीटा मतलब डिग्री। तो डिग्री कौन सा डिग्री लेना है अभी हम वो भी समझाएंगे, फिलहाल देख लीजिए इसको। तो 10 14.03, इसका जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में डाल के, मैं अभी दिखा दूंगा इसका फोटो, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50 mm, सब यहाँ पे मैं mm में ले रहा हूँ, तो mm हो गया, ओके। अभी क्या करना है, ये तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ये पहला फॉर्मूला जो था वो हमने यहाँ पे एग्जांपल 1 में समझ लिया, ठीक है। अब हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए, मतलब कि इसका जो यहाँ पे जो डायामीटर रहेगा उसको निकालने के लिए, अब हम फार्मूला 2 का यूज करेंगे। तो फार्मूला 2 क्या है, बिगर डायामीटर, मतलब कि ये वाला बड़ा वाला डायामीटर है ना, स्मॉलर डायमीटर रहता तो हम ये वाला लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है बिगर डायमीटर, मतलब हम 300 लेंगे। तो ये हमने लिया यहाँ पे 300 माइनस, ये वाला माइनस है,
ओके। उसके बाद आंसर, कौन सा आंसर, ये वाला आंसर हमने यहाँ पे ब्लू इसलिए दोनों कर दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये आंसर कितना आया हमारा, 50 mm, तो वही हमने यहाँ पे रखा 50 mm। ओके, तो 300 में 50 माइनस किया तो 250 mm आया, मतलब कि ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब कि यहाँ का हमारा आंसर आएगा 250 mm। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये डिग्री का, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 14.03, वो कैसे आया, तो आइए यहाँ पे समझाते हैं। देखिए ये ऊपर का डाया कितना है, 300 है, ये देखिए ये वाला है ना, ये 300, ये भी है, ये 300, इसको मैंने यहाँ पे 3D में यहाँ पे समझिए ड्रॉ किया है, और उसी को हमने यहाँ पे 2D में ड्रॉ किया है समझाने के लिए आपको। तो ये 300 ऊपर का डाया है और नीचे का कितना है, 100 है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे का देखिए 100 है, सेम है दोनों, ये और वो दोनों सेम है। ओके, तो ऊपर का 300 है और नीचे का 100 है, ओके, और टोटल हाइट हमारा कितना है, 400 है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, 300 मतलब ये ऊपर का डाया माइनस 100 नीचे का डाया, कितना हो गया 200। अब 200 को भागा 2 देना है तो कितना आ जाएगा, 100। ओके, मतलब कि इसको अगर हम यहाँ से यहाँ अगर इसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 mm। ये आपको शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। जैसे देखिए ये नीचे का 100 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, इसी को मैंने यहाँ से क्या किया, सीधा यहाँ तक खींचा और यहाँ तक खींचा, ठीक है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री में। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 100 mm है, क्योंकि नीचे 100 है तो वहाँ जाएगा तो वहाँ भी 100 होगा, ठीक है। तो 100 mm माइनस हो गया, तो अब कितना बचा, 300 में 200 बचा, तो 100 इधर का और 100 इधर का, मतलब कि ये टोटल 300 है ना, यहाँ से यहाँ तक 300 है, और बीच का ये 100 mm है, ओके, तो इधर का भी 200 mm होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ एक दो, को अच्छे समझ में आए। मान लीजिए ये ऊपर का हमारा 500 है, ओके, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रायंगल यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें इसका हमें मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो ये जानते हैं। तो ऊपर का हमने कितना बताया, 500, और नीचे का जितना आपका मर्जी आप उतना ले सकते हैं, मान लीजिए 100 mm हम ले लिए, ओके, 100 200 mm जितना चाहे आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 500 माइनस नीचे वाला डाया 100 है तो 100 कर देंगे तो हो जाएगा 400, ओके। अब क्या करेंगे, 400 डिवाइड 2 कर देंगे, कितना आ गया, 200, मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा, 200, इधर का 200 आएगा और इधर का भी 200 आएगा, मतलब इधर का 200 इधर का 200, 400, और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ये नीचे में कितना है, 100, तो 400 एक 500 हो गया, मतलब कि ये टोटल 500 है। तो इस तरीके से हम यहाँ का हाइट निकालते हैं, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 100 कैसे लिया हमने, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ऐसे करके और ऐसे है ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो 100 mm तो हमें पता चल गया, और 400 तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि ये इसका टोटल हाइट 400 है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट है टोटल 400 के। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिग्री निकालेंगे। अब आपको डिग्री निकालना पता नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के लिए सिंपली यूट्यूब पे जाएँ और वहाँ पर सर्च कीजिए यूट्यूब में फिटर की पूरी जानकारी, उसके बाद वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, ओके। तो 400 हो गया और इधर का 100 हो गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, 10 θ = 100/400। डिग्री कैसे निकालना है वो अगर आप देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 14.03, मतलब कि ये जो डिग्री हमने लिया है वो वहीं से हमने लिया है, देखिए 10 14.03, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 250 mm। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चिमनी का या फिर किसी भी कोन का आप आसानी से जो है बीच का डायर निकाल सकते हो। तो बेसिकली इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी ने अगर काम किया हुआ चिमनी का तो उनको या इजीली से जो है समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमें 10 मीटर का चिमनी बनाना है, ओके, तो भाई हम उसका जब फैब्रिकेशन करते हैं ना तो उसको 10 मीटर का एक ही बार में नहीं कर देते हैं, उसको हम पार्ट पार्ट में करते हैं। जैसे पहले 2 मीटर का करेंगे, फिर 2 मीटर करेंगे, फिर 2 मीटर करेंगे,
ये पांच पार्ट में आएगा टोटल। ओके, तो दो दो मीटर जब हम करते हैं ना, तो देखिए ये वाला मान लीजिए, हम यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं 5 मीटर पकड़ लेता हूँ, ओके, नीचे का डाया, और ये है हमारा, इसको मान लेते हैं 1 मीटर। ओके, तो हमें इसको 5 पार्ट में बनाना है, ठीक है, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ। तो ये हो गया हमारा 5 मीटर और ये हो गया 1 मीटर। ओके, तो हमें अब यहाँ का डिस्टेंस पता ही नहीं है, है ना, यहाँ का हमें डिस्टेंस पता होगा तभी तो हम पहला वाला पार्ट बनाएंगे ना। तो यहाँ का मान लीजिए 4 मीटर आएगा, मैं अंदाज में ही बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ का 4 मीटर आया, ठीक है, तो 4 मीटर हमें पता होगा तब तो हम 5 मीटर बाय 4 मीटर का एक छोटा सा कॉन फेब्रिकेशन करेंगे। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूला का जो है ज़रूरत पड़ता है। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि किस तरीके से चिमनी बनाया जाता है, मैं पूरा चिमनी के ऊपर जो है पूरा आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन उन्होंने अभी तक जो है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कोई डाउट कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।